महबूबा मुफ्ती ने पहले से ही इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो परिसीमन आयोग के सामने पेश नहीं होंगी, लेकिन बाकी पार्टियां परिसीमन आयोग से मिलेंगी। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव परिसीमन के बाद ही हो पाएंगे। 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद केंद्र सरकार के लिए जरूरी था कि अगले चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो। प्रदेश की सीमाएं नए रूप में तय करने के कारण विधानसभा में सदस्यों की संख्या बदलने के आसार हैं। साथ ही जम्मू और कश्मीर घाटी में विधानसभा सीटों की संख्या को लेकर वर्षों से जो विवाद चल रहा है उसका भी हल निकलने की संभावना है। यही कारण है कि घाटी के राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया को लेकर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ सभी राजनीतिक दल परिसीमन कमीशन से मिलने के लिए तैयार भी हैं। वजह यह है कि अब तक हुए चार परिसीमन की एक ही कहानी रही है। पिछले सभी आयोग ने जम्मू की उपेक्षा कर घाटी को ज्यादा महत्व दिया, यानी हर बार घाटी की सीटें इस तरह परिसीमित की गई कि जम्मू के हिस्से विधानसभा की कम सीटें आई। इसका नतीजा यह हुआ कि घाटी के दम पर सियासत करने वाली पार्टियां सत्ता में आती रही हैं। लेकिन इस बार जम्मू के लोगों को इस बात की उम्मीद है कि जब वक्त बदला, सियासत बदली, तो उनकी किस्मत भी बदले और परिसीमन में उनके साथ न्याय हो। यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती के पसीने अभी से छूटने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जम्मू में उनकी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का पूरे राज्य में बड़ा जनाधार है, इसीलिए फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को इस परिसीमन से कोई खास शिकायत नहीं है। लेकिन जब सियासत करने का वक्त आएगा तो वो कुछ भी करने लगेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान परिसीमन कमीशन पहली बार जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट निकालेगी। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का आधार क्या हो इसे लेकर राजनीतिक दलों में मतभेद है, जहां CPM का मानना है कि वर्ष 2021 की जनगणना को आधार बनाया जाए, वहीं अन्य दलों के अनुसार परिसीमन की प्रक्रिया और नए सीटों को निकालने के लिए जनसंख्या को आधार बनाया जाना चाहिए। लद्दाख के अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 87 से 83 हो गई है। कमीशन जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या 90 करने वाला है। कमीशन के अनुसार उसके सदस्य राज्य में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। कमीशन ने विश्वास दिलाया है कि अगले चुनाव से पहले वह परिसीमन संबंधित प्रक्रिया पूरी कर लेगा। जम्मू कश्मीर में होने जा रहे इस परिसीमन का राजनीतिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं इससे जम्मू के लोगों की वर्षों पुरानी शिकायत को दूर करने की दिशा में कोई कदम उठाया जा सकता है। यह बात शायद घाटी के राजनीतिक दलों के लिए सुखद न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।